जी धन्यवाद सर। तो हम लोग स्वागत करना चाहेंगे श्री अखिलेश अग्रवाल सर का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राज आनंद संस्थान। सर नमस्ते, स्वागत है। अखिलेश अखिलेश जी, जी आवाज सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आदरणीय आवाज, आ रही है। धन्यवाद। आदरणीय सहस्रबुद्धे जी, रजनीश अरोड़ा जी, सुनील कुमार जी, उमेश जी, पारिक्षित जी, अस्थाना जी, चतुर्वेदी जी एवं हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े पीजीवीटी कॉलेज के सभी प्रतिभागीगण, आप सभी को नमस्कार एवं इस 5 दिवसीय सार्वभौमिक मानव मूल्यों की कार्यशाला में या शिविर कह लें, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सार्वभौमिक मानव मूल्यों पर जो चर्चा हो रही है, यह क्या है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर बात करने के लिए ऐसे हमारे साथी मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को विकसित किया है, उसको समझा है, उसको अनुभव किया है और बरसों से उसको जी रहे हैं। इसलिए मैं इस कार्यक्रम क्या है इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने खुद इस कार्यक्रम को अटेंड किया है, मेरे साथियों ने इस कार्यक्रम को अटेंड किया है, तो मैं थोड़ी सी बात इस पर जरूर करूंगा कि इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव हो सकता है या इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव हमने अनुभव किया है और यह कार्यक्रम जरूरी क्यों है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसके लिए अगर आपको इस बात का अनुभव करना है तो इसके लिए आपको इस हाल में जहां पर आप बैठे हैं फिजिकल रूप से नहीं बल्कि मेंटल रूप से भी उपस्थित रहना पड़ेगा, यानी कि आपको उस तरफ ध्यान भी देना पड़ेगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस कार्यशाला में 5 दिन मेंटल रूप से मानसिक रूप से भी उपस्थित रहते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका लोगों को देखने का, परिस्थितियों को देखने का, प्रकृति को देखने का और रिश्तों को समझने का नजरिया बदल जाएगा। आप देख सकेंगे कि हम कैसे सामने वाले को सुधारने की कोशिश करते हैं और सामने वाला हमें सुधारने की कोशिश करता है और अंत में संबंध सुधरने के स्थान पर और बिगड़ जाते हैं और हम कहते हैं कि सामने वाला सुधरना ही नहीं चाहता है। वास्तव में यह शिविर आपको इस स्थिति से निपटने के लिए रास्ता दिखा पाएगा, एक मार्ग दिखा पाएगा, साथ ही आप समझ पाएंगे कि हम आखिर लगातार आनंदित क्यों नहीं रह पाते, हम लगातार सुखी क्यों नहीं रह पाते हैं। आप देख पाएंगे कि हम जहां प्रयास कर रहे हैं वो जगह है ही नहीं जहां से हमें सतत आनंद प्राप्त होगा और हम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, उस तरफ प्रयास ही नहीं कर पा रहे हैं जहां से हमें सतत आनंद प्राप्त हो सकता है। और आप इस बात को भी समझ पाएंगे कि आखिर चूक कहां हो रही है। और एक बात और कहूंगा मैं कि प्रोग्राम के अंत में आप सोचेंगे कि अरे बात तो इतनी साधारण सी थी, हमारी समझ में क्यों नहीं आई, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि बात साधारण जरूर है लेकिन उस पर अमल करने में दिक्कत आ जाती है क्योंकि हमारी धारणाएं, हमारे विचार, हमारी समझ, हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं बार बार बीच में आ जाती है और जब हम इन सब चीजों से परे जा पाते हैं, जब हम में सहज स्वीकृति का भाव पैदा होता है
तभी वास्तव में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो पाए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम आपको अपने जीवन की एक नई दिशा दे सकता है, आपको अपने जीवन का एक मकसद दे सकता है। आप में से कुछ लोगों के मन में विचार चल रहा होगा कि हमारा मकसद तो हमें पहले से ही पता है, हमें छात्रों को पढ़ाना है, जिसके लिए हमें विषय की नॉलेज, विषय की जानकारी पहले से है, थोड़ा सा पढ़ाने का कौशल सीखना है, थोड़ी सी छात्रों की मनोवृत्ति जाननी है, जो कि इस कोर्स के दौरान, बीएड के दौरान हम जान पाएंगे। और वास्तव में यहीं पर हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी समझ गड़बड़ा जाती है। साथियों, जैसा कि अभी हमारे जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हमारे जो साथी थे, उन्होंने बताया कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को एक परिपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाना है। और आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि हम लोग अपने जीवन का लगभग एक चौथाई भाग, लगभग 25 वर्ष शिक्षा पर लगाते हैं। लेकिन अगर आज हम शिक्षा प्रणाली को देखें, जिस पर ऑलरेडी बात की जा चुकी है, टीचिंग मेथड्स पर ध्यान दें, तो स्कूल और कॉलेज दोनों स्तर पर हम मानव मूल्यों की बात नहीं कर रहे हैं। हम छात्रों को परिपूर्ण जीवन जीने की कला नहीं सिखा रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रयास पाठ्येतर कार्यक्रमों के माध्यम से, एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से हो रहा है, जो पूर्ण नहीं है। और मेरे ख्याल से नई शिक्षा नीति में और हमारी जो AICTE के सभी साथीगण हैं, टीम हैं, वे भी इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम एक परिपूर्ण जीवन जीने की कला बच्चों को सिखा सके। यहाँ विचारनी है कि आखिर कमी कहाँ पर हो रही है। मैंने अनुभव किया है कि आज हम बच्चों को प्रश्नों के उत्तर देना सिखा रहे हैं, जबकि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ा सकें, उनमें प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित कर सकें। उनको प्रश्न करना अगर एक बार आ जाएगा, तो फिर प्रश्नों के उत्तर तो वे स्वयं ढूंढ लेंगे। ऐसा मेरा अपना सोच है, अपनी मेरी समझ है। दूसरी समस्या यह है कि अगर हमारे टीचर वे स्वयं ही परिपूर्ण जीवन जीने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वे स्वयं उन मूल्यों से जिनको वो बच्चों को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, अगर वे स्वयं उन मूल्यों को नहीं जी रहे हैं, और ये मैं अभी हमारे शिक्षा से जुड़े जो हमारे साथी हैं उनकी नॉलेज में लाना चाहूँगा कि अगर हमारे टीचर स्वयं उन मूल्यों को नहीं जी रहे हैं, तो बच्चे कैसे उसका अनुसरण करेंगे। क्योंकि बच्चे सुनने से ज़्यादा देखने से सीखते हैं, और अगर बच्चे देखेंगे कि हमारे टीचर स्वयं आनंदित नहीं है, वे स्वयं परिपूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो वे स्वयं नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप सभी लोग जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े प्रतिभागी हैं, वे यह समझ सकें, और तभी वे बच्चों को भी समझा पाएंगे कि जीवन जीने की कला सामंजस्य में है, विरोध में या कंपटीशन में नहीं है। और आप देखेंगे कि आज हम स्कूलों में बच्चों में कंपटीशन पैदा कर रहे हैं, उनमें विरोध पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करा रहे हैं उनका। ऐसी परिस्थिति में वे कैसे मानव मूल्यों को समझ पाएंगे। जब तक हम स्वयं यह नहीं समझ पाएंगे कि हम अगर स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ सामंजस्य में नहीं है, तो हम कैसे लगातार आनंदित रह सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह कार्यक्रम आपकी इन सभी विषयों पर समझ को बढ़ाएगा कि कैसे एक परिपूर्ण जीवन जिया जाए, कैसे सामंजस्य में रह पाए। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यह भी समझ पाएंगे कि वास्तव में हमारी तरह सामने वाला भी एक परिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, और अगर वह ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो वास्तव में उसकी समझ विकसित नहीं हो पाई है,
उसका पोटेंशियल पूरी तरीके से वह अपना रियलाइज नहीं कर पाया है। और आप देखेंगे, मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जब यह बात हमारे समझ में आती है तो हम हमारा सामने वाले के प्रति सारा विरोध खत्म हो जाता है, हमारा सारा गुस्सा खत्म हो जाता है और हम में एक संबंध का भाव पैदा हो जाता है, एक प्रेम का भाव पैदा हो जाता है और हम फिर उस व्यक्ति के साथ बेहतर ढंग से संवाद कर पाते हैं और उसकी समझ को बढ़ाने का प्रयास कर पाते हैं। मेरे ख्याल से इस 5 दिवस के सार्वभौमिक मानव मूल्यों के बाद अल्पविराम कार्यक्रम को भी प्लान किया गया है, जैसा कि मेरी चतुर्वेदी जी से चर्चा हुई है। तो उस कार्यक्रम से अभी आप यह सीख पाएंगे कि इस समझ को, जो कि हम इस सार्वभौमिक मानव मूल्यों के कार्यक्रम के द्वारा सीखेंगे, उसको जीवन में उतारना कैसे है, उसको जीवन में जीना कैसे है, इस बात पर आप अपने को थोड़ा सा और गहराई में ले जा पाएंगे। मैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे सभी ऐसे प्रतिभागी जुड़े हुए हैं जो कि आगे चलकर स्कूलों में छात्रों के साथ जो होंगे, तो मैं थोड़ी सी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जो स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हमारा आनंद सभा कार्यक्रम है जो कि वास्तव में इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है, जिसकी अभी हमारे सभी UHV और AICTE के हमारे जो टीम थी वे चर्चा कर रहे थे। मेरे ख्याल से UHV के इस शिविर के बाद हम उस दिशा में और बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे, उस दिशा में और गहराई से कार्य कर पाएंगे और अगर हमारे शिक्षक इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो शायद हमको उनको बच्चों तक ले जाने में और मैं आभारी हूँ UHV टीम का, शिक्षा विभाग का, विशेष रूप से चतुर्वेदी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।